ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। अब खबर राजगढ़ से है, जहां दलित की बारात पर पत्थरबाजी का आरोप सामने आया है। एक पक्ष के लोगों ने बारात पर पत्थर बरसाए। जीरापुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। बैंड बंद करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और पत्थरबाजी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दलित की बारात पर पत्थरबाजी का आरोप सामने आया है। एक पक्ष के लोगों ने बारात पर पत्थर बरसाए। जीरापुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। बता दें, बैंड बंद करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और पत्थरबाजी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जैसे ही अनिल हार्डवेयर के यहाँ से माताजी मंदिर के अंदर बारात जुलूस लेकर आए, तो मस्जिद के सामने कुछ मुस्लिम लोग आए और बोले कि यहाँ पर डीजे या साउंड कोई अलाउड नहीं है, और गालियाँ देने लग गए। फिर आगे जब माताजी मंदिर के यहाँ पे आए, तब डीजे चालू किया और नाचने लगे। इतने में उधर से पथराव, तलवार ये सब लेकर वो हावी हो गए, और जिसमें करीबन 5-7 लोगों को चोट आई है, किसी के सिर में लगी है, किसी को टाके आए आँख के पास। मेरे सहयोगी राजगढ़ से मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, दलित की बारात पर पत्थरबाजी का आरोप सामने आया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? बिल्कुल, राजगढ़ जिले की घटना है। राजगढ़ जिले के जीरापुर में एक मस्जिद है, माताजी मोहल्ले में, और शीतला माता का मंदिर है, जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बारात आई थी, दलित बेटी की, दलित बेटी अंजू की बारात आई थी। उसमें जब बारात लेके लोग बाजे लेके मस्जिद के सामने निकलने लगे, तो उनको रोक लगाई। रोक लगाने के बाद वो जब मंदिर तक उन्होंने वहां से रोक लगाने के बाद उन्होंने बैंड बाजे बंद कर लिए गए थे। उसके बाद आगे आने के बाद करके सामने माताजी मंदिर के पीछे बैंड बाजे से वो नाच रहे थे। इसी बीच पीछे से मुस्लिम समाज के 8-10 लोगों ने उन पर पथराव किए। पथराव करने से मामला गर्म हो गया। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने सबको तितर बितर किया। उसके बाद 8 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमें तमाम जानकारी देने के लिए।